ये एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को तो अंजाम देने पर पता चलेगा कि वह कितना खतरनाक है और सही। सभी का इसी वीडियो में अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहावत है, सुनी हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात। हेलो हरी, ये कहावत आपने सुनी है? हाँ। इसको किसने सुना दी? चलो हम तो हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक स्प्रे के साथ में एक कुल्हाड़ी को लेकर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जो कि आपको पता है कि स्प्रे को काटने पर कितना खतरनाक रिएक्शन होता है, शायद आपको तो पता ही है। देखता हूँ कि ये दोस्त मेरा एक बार में इस स्प्रे को काट पाता है या नहीं। मैं इसको एक मौका दूंगा, तो एक मौका लेगा भाई, एक ही मौका मिलेगा मेरे को। आइए देखते हैं कुल्हाड़ी और स्प्रे में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। भाई इसको एक मौका तो मैंने दे दिया, लेकिन काटने के बाद दूसरा मौका नहीं दूंगा मैं। तो 1 2 3, वाह गाइस, शायद इस बंदे ने एक बार में इसके चिथड़े बखेरे थे। इसमें कौन सी गैस भरी जाती है आप मुझे कमेंट में बताना। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था, आपके लिए कैसा था कमेंट सेक्शन में दोस्तों एक कमेंट जरूर बताना। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि स्प्रे का पीछे वाला पार्ट कहीं गुम हो गया है। खतरनाक एक्सपेरिमेंट था गाइस मुझे लगता है, क्योंकि कुल्हाड़ी से काटने पर बहुत नुकसान हो सकता था हमें। इसका कुछ इस तरह हालत हो, क्या आपको लगता है कि स्प्रे को मिनी बम फोड़ पाएगा या नहीं? ये मिनी सूतली बम है, जो कि आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि ये आपके हाथ में फट जाए तो आपके हाथ को भी फाट सकता है। मुझे लगता है ये बहुत ही पावरफुल है, आपको क्या लगता है ये फट पाएगा या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते हैं इसमें स्प्रे ये चालू है या नहीं। मुझे लगता है शायद स्प्रे चालू होगा, चालू है, आपको भी दिख रहा है। वाह कितना वेरी डेंजर। अब देखते हैं गाइस इसका टाइम आ गया है, देखते हैं फट पाएगा नहीं। एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं गाइस। 1 2 3 गाइस, स्प्रे यहीं रह गया है, बम फट गया है। मुझे लगता है बहुत ही मजबूत है। गाइस आज मुझे पता चला कि स्प्रे इतना स्ट्रोंग है, और स्प्रे की स्ट्रोंग का पता तो मुझे मिनी बम ने अच्छी तरह बता दिया। गाइस मिनी बम लगाने के बाद भी स्प्रे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, इतना खतरनाक मोमेंट मैंने कभी नहीं देखा। गाइस कुछ सोचने समझने के बाद में मैंने इसके नीचे बम लगाने का एक और तरीका सोचा। देखता हूँ कि नीचे बम लगाने के बाद में यह इसे ब्लास्ट कर पाता या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि स्प्रे ने तो मेरा पहले ही दिल जीत लिया, मुझे नहीं लगता कि अब की बार भी मिनी बम इस स्प्रे को ब्लास्ट कर पाएगा। वाई नॉट प्रॉब्लम गाइज, एक्सपेरिमेंट करना तो हमारा काम है, और देखते हैं गाइज ये कितना टाइम ले रहा है। वैसे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसे जल्दी से इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा मेटल रेडी है, और कंटिन्यू गाइज हमने 2 स्प्रे लगा दिए। वेरी डेंजर मोमेंट था गाइस ये भी। अब की बार भी मुझे लगता है कि स्प्रे का इसने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। स्प्रे इतना मजबूत मेटल का बनाया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस इतनी प्रेशर से भरी जाती है गाइस कि इससे फटने का नाम नहीं लेता। ये पहले से ऑलरेडी स्ट्रोंग है, और इसका हार्ड मेटल लोहे का बना होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गाइस स्प्रे के इस मेटल ने तो मुझे अंदर तक हिला के रख दिया, इतना खतरनाक मेटल। फिर भी देखो गाइस 2 बम लगाने के बाद भी ये अभी भी चालू है। आपने देखा कि गाइस इसमें अभी भी स्प्रे निकल रहा है, और आए गाइस ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट।